आज राखी के दिन भी मेरे वीर जी ने मुझे याद नहीं किया, पर मुझे बहन का फर्ज याद है। इस बार ओबेरॉय खानदान ऐसी राखी मनाएगा कि जिंदगी भर नहीं भूलेगा। सोच अगर गहरी हो जाए तो इंसान सोच अगर गहरी हो जाए तो हेलो व्हाट आर यू श्योर ओम भाई आप कहाँ जा रहे हैं? रिंकू बहुत अर्जेंट काम, आई हैव टू गो। पर भैया आज राखी है और राखी वाले दिन आप हमें छोड़ के कभी भी नहीं जाते, और अभी तक तो मैंने आपको राखी भी नहीं बांधी। इनको बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना है यार। भैया प्लीज मुझे जाना है, जस्ट अंडरस्टैंड ओके? डैड बहुत अर्जेंट काम, आई हैव टू गो। ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट डील है शिवाय जो रुक नहीं सकती? हाँ इतना तो मजा आ रहा है, क्यों जा रहे हो? लाइफ में हर चीज मस्ती मजाक नहीं होती है रुद्र, मेरा जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपनी फैमिली से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिंकू की खुशी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हाँ बहुत। रिंकू चुप हो जा बेटा, चुप हो जा बस। दादी मैंने भैया को अभी तक राखी भी नहीं बांधी, थोड़ी देर और रुक जाते तो उनको राखी बांध देती। ऐसे सबको इतनी अच्छी फैमिली मिली है पर उनको कदर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ वो मेरे साथ ही सालम सिंह ओबेरॉय हैं और अपनी फैमिली को इतना प्यार करते हैं। राज सोनू ने सबका दिल तोड़ दिया सौम्या। रिंकू दिल छोटा नहीं करते, बस शिवाय को आने दे, मैं उसे अच्छे से डांट लगाऊंगा। स्माइल कर रिंकू, स्माइल। अच्छा सुन, मेरे पास है ना तेरे लिए एक सरप्राइज है, अपने हाथों से बनाया मैंने, राखी के बाद देने वाला था पर अभी देता हूं। या स्माइल अभी लाता हूं। गिफ्ट? मैं तो गिफ्ट लाना ही भूल गया। सर हमने पुलिस को रोकने की बहुत कोशिश करी थी मगर इनके पास सर्च वारंट था। मिस्टर ओबेरॉय, हम जानते हैं कि आप एक बड़े आदमी हैं और सोसाइटी में आपकी एक अलग पहचान है, फिर भी हमें आना पड़ा क्योंकि हमें खबर मिली है कि आर्ट स्टूडियो के आड़ में आपके भाई ओमकारा सिंह ओबेरॉय देश के एंटीक्स की स्मगलिंग कर रहे हैं। एक गुमनाम कॉलर ने बताया है कि आपके भाई एक एंटी गणेश मूर्ति को देश से बाहर भेजने की कोशिश कर रहे हैं। Nonsense. कोई भी राह चलता इंसान ओबेरॉय खानदान पर कुछ भी इल्जाम लगाएगा और आप मान लेंगे? एक अनोनिमस कॉलर की बात पर आपको यकीन, और शिवाय सिंह ओबेरॉय की बात पर नहीं? ये जो इल्जाम लगे थे absolutely baseless, okay? Now I'm gonna call the commissioner. सर देखिए ये क्या है? रुद्र की बालों वाले विघ्न ने सिर में दर्द कर दिया। ये कौन है? या क्या कर रहे हो? ये क्या? कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं उसमें।
पर चोरी का इल्जाम लगाया था और आज मेरे प्यारे भतीजे ओमकारा के साथ भी यही होगा। स्मगलिंग का इल्जाम लगेगा और पूरे ओबेरॉय खानदान के सामने उनके बेटे को पुलिस ले जाएगी। ये क्या? कच्चा धागा है, जरा सा खींचो तो टूट जाता है, बिल्कुल मेरा, मेरे मायके से रिश्ते की तरह। वो आज रक्षाबंधन था तो मैं तो खुशी से दौड़ी चली आई अपने वीरों को राखी बांधने के लिए, पर मैं तो अंदर आ ही नहीं सकती, इसलिए ये डब्बा यहाँ छुपा के जा रही थी कि मैं नहीं तो कम से कम मेरी राखियां तो मेरे वीरजी तक पहुंच जाए। कमिश्नर कदम, रिंकू बेटा चुप कर मत रो। रिंकू बेटा मेरी तरफ देख, आंखें ऊपर, इतने मोटे मोटे आंसू, वो भी शिवाय के जाने पर। अरे वो तो किसी इम्पोर्टेंट वर्क्स के लिए बेटा गया है, अभी आ जाएगा। तू ऐसा कर, तू रुद्र और ओमकारा को पहले राखी बांध दे, है ना। देख रुद्र तो कैसा खाली पेट और सूनी कलाई के साथ उजड़ा उजड़ा लग रहा है। पर छोटी मां मैं तो हर साल सबसे पहले शिवाय भैया को राखी बांधती हूँ। So what matters? इस बार उल्टा कर ले। देख तू बड़े से शुरू करती है ना, इस बार छोटे से शुरू कर, पहले रुद्र को बांध, है ना। और वैसे भी शिवाय ने तुझे बड़ा तंग किया है, जब लौटेगा तो पूरी तरह से वसूल लेना। कोई ऐसे रुलाता है छोटी बहनों को राखी पे? आज के दिन किसी बहन की आंख में आंसू नहीं होने। यही उम्मीद लेकर अपने भाइयों के घर आई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? तुम्हें अंदर किसने आने दिया? मैंने